थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इफ्तारी के टाइम से, और आज जो है मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे रोल्स। ये रोल जो है ना मुझे बहुत पसंद है, चिकन रोल्स हैं। और ये जो रोल्स हैं ना मैं सिर्फ इसलिए खाती हूँ क्योंकि इसकी चटनी जो है थी ना बहुत अच्छी होती है। एनीवे तो आज जो है मैं इफ्तारी के टाइम पर स्टार्ट कर रही हूँ मेरा व्लॉग। ये रोल्स मेरे हस्बैंड लेकर आए थे इस चटनी के साथ। ये राइस मैंने बनाई थी मटन के पुलाव है, और ये रोल मेरे हस्बैंड ने कराए, बाकी मैंने बनाया था। ओके एवरीवन, तो मैं अभी जा रही हूँ ईद का जोरा लेने के लिए, लेकिन ये इसको भी मैं साथ लेकर जाऊँगी क्योंकि मेरा मूड है कि ये मैं सूट पहन लूँ ईद पर इसका दुपट्टा और ट्राउज़र दोनों नहीं है, तो ये भी मैं साथ लेकर जाऊँगी मैचिंग के लिए। अगर ये पूरा हो गया तो ठीक है, वरना मैं दूसरा लेकर आऊँगी। एंड आई एम रेडी। ये अबाया पहनना है और इसको मैं पैक करती हूँ। ओके मैं रेडी हो गई हूँ। अच्छा, मेरा प्लान इस तरह था कि जो मेरे पास शर्ट है ना उसके लिए मैं ट्राउज़र और दुपट्टा ढूंढूंगी, अगर मैच हो गया और सूट हो गया ना तो वो सही है मेरे लिए ईद के लिए मैंने, क्योंकि मुझे वो शर्ट बहुत पसंद है। इसका कलर बहुत प्यारा है और लाइट है गर्मियों के हिसाब से, तो मेरा मूड है कि इंशाल्लाह ये पहनूंगी, और अगर मैचिंग नहीं हुआ ना तो दूसरा सूट लेकर आऊँगी क्योंकि अब इतने दिन है नहीं ईद में और बाकी थोड़े से दिन रह गए, तो इसलिए कोई और सूट लेकर आऊँगी जो स्टिच हो। और बस यही है, सो इसलिए मैं जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैचिंग के लिए जा रही हूँ, होप सो कि ट्राउज़र या दुपट्टा अच्छा सा मिल जाए। तो सबसे पहले मैं गई थी गुल अहमद के आइडियाज़ की शॉप पर, और वहाँ मैंने चेक किया, वहाँ जो है ना अच्छा, यहाँ भी फिर से वही सीन हुआ है कि मेरी फिंगर जो है ना फिर से कैमरा के सामने आ गई है। मैं जब भी कैमरा उठाती हूँ और वाइड वाली कैमरा यूज़ करती हूँ ना तो उस पर जो है ना मेरे हाथ जो है ना लाजमी आ जाते हैं, पता नहीं किस तरह होता है। मुझे जो है ना उस वक्त फील नहीं होता क्योंकि मैं कपड़ों को देखती रहती हूँ ना कि कौन से कपड़े हैं कौन सा डिज़ाइन, इस तरह मैं देखती नहीं हूँ कैमरा की तरफ, तो घर आके देखती हूँ ना फिर पता चलता है कि ये सीन हो गया ये सीन हो गया। एनीवे पहले मैं गई थी गुल अहमद पर और वहाँ चेक किए थे पहले ट्राउज़र्स, क्योंकि मुझे ट्राउज़र मैचिंग देखना था, अगर ट्राउज़र मिल जाता तो फिर दुपट्टा भी मैच कर लूँगी। तो मैंने पहले वहाँ ट्राउज़र देखे थे, जो लगा हुआ था ना सिल्क वाला जिसमें एम्ब्रॉयडरी था वो अच्छे थे, वो मैचिंग भी फुल हो रही थी। बाकी जो थे ना जो लान के थे वो बिल्कुल कलरिंग मैच नहीं हो रहा, ये जो कलर है ना जो शर्ट का बहुत डिफ़िकल्ट है, तो इसके जो है ना स्किन लग रहा था ना प्योर वाइट भी लग रहा था, इसको जो है ना थोड़ा सा वाइट और स्किन के बीच वाला कलर है ना मुझे वो कलर चाहिए था, बहुत डिफ़िकल्ट था, तो बस वो मैचिंग नहीं हो रही थी। कुछ वाइट कलर में अच्छे थे जिसके कढ़ाई जो काम था ना वो गोल्डन पे था तो वो मैच हो रही थी, लेकिन वो सिल्क कपड़े में था तो इसलिए फिर मैंने वो लिया ना, ये मैंने छोड़ दिया था क्योंकि सिल्क यू नो गर्मी में बहुत तंग करेगा, तो इसलिए मैंने वो लिया नहीं। और फिर दूसरी शॉपिंग में गई थी, अभी मैं खादी में हूँ लेकिन उससे पहले मैं गई थी वहाँ लाइम लाइट, वहाँ भी यही इशू था कलरिंग में मैच नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैं खादी पर आई थी, मैंने सोचा कोई अच्छा सा कपड़े देख लूँ, अगर मुझे कोई कुर्ती या और चीज़ पसंद आ गई स्टिचेस ईद के लिए, तो बस अभी मैं देख रही हूँ। पता है क्या, लास्ट टाइम पे शॉपिंग जो था बहुत डिफ़िकल्ट होती है, ऐसा फील होता है कि प्रेशर है आप पर और आपको हर हाल में लेना है, और जब इस तरह की शॉपिंग करते हैं ना तो वो शॉपिंग अच्छी नहीं होती, वो शॉपिंग अच्छी होती है जब आप रिलैक्स में हो और एक दो दफ़ा जाओ और आप कोई चीज़ पसंद कर लो। अच्छा, मैं घर से भी कुछ पिक्चर सेव किए थे जो ऑनलाइन मैंने कपड़े देखे थे बोनांजा के, और आपको पता है कि डिफरेंट होता है ऑनलाइन में और रियल में कलर्स में और इस तरह का, तो मैंने कुछ सेव किए। पता है क्या, वो जो शर्ट है ना जो सूट में निकाला था ना वो मैं अभी शायद मैंने इसकी वीडियो भी बनाई आप लोगों को आगे दिखाऊँगी, थोड़ा सा पिंकिश कलर का है, बिल्कुल डिफरेंट था जो पिक्चर मैंने देखी थी ना, और रियल में काफ़ी डिफरेंट था, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था रियल में, हालांकि ऑनलाइन बहुत अच्छा लग रहा था।
एनीवे तो नज़ा भी देखा था वहाँ भी यू नो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, पता नहीं इस तरह क्यों होता है, जब अपनी शॉपिंग करनी होती है ना तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। एनीवे उसके बाद ये वाकई मैंने सोचा चलो चाय पीते थोड़ा सा दिमाग काम करे, और आज जो है ना कुछ जरश थी, पता नहीं कुछ एक्टर्स आ रहे थे इस तरह का, तो हमने भी सोचा थोड़े से लाइन में खड़े हो जाए, लेकिन पता है कि हमने 45 मिनट वेस्ट किए थे। एनीवे उसके बाद मैं दोबारा शॉपिंग के लिए गई, और अभी जो है मैं जे डॉट पर हूँ, और यहाँ जो है ना मुझे 2 सूट अच्छे लगे थे, और मुझे जो है ना एम्ब्रॉयडर्ड और सिल्क वाली चीज़ नहीं चाहिए थी क्योंकि वो बहुत गर्मी करती है, और वैसे भी गर्मी का सीज़न है तो इतना बर्दाश्त नहीं होता, और आपको वो सूट सुबह से पहनना होगा शाम तक, ईद का दिन है ना तो लाजमी पूरा दिन पहनना होगा, तो इसलिए मुझे एम्ब्रॉयडर रहे भी नहीं चाहिए। अच्छा मुझे जो है ना ये दोनों सूट पसंद आए थे, एक जो पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था लाइट पिंकिश था जस्ट लाइक अ वाइट, और दूसरा ये जो ब्राउन है ना ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। एनीवे तो मैंने एक सूट ले लिया है जो देखती हूँ आप लोगों को आगे दिखाऊंगी या नहीं, या ईद के लिए सरप्राइज़ रखूँ। बस अब एक बात बताओ, स्टिल मेरा दिल जो है ना मुतमईन नहीं है कि वही ईद का सूट होगा, पर फ़िलहाल शायद यही होगा क्योंकि मुझे उसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आया था। एनीवे इसके बाद हम घर के लिए निकले, हमें बहुत देर हो गई थी, हम क्या टाइम था जब हम आए थे मॉल, आई गेस 8:30 या 9 o'clock था, क्योंकि इफ्तार के बाद चाय पियो और घर पर भी आती उसके साथ बर्तन वॉश करो, तो बस वो जब जो है ना काफ़ी टाइम लगाते हैं। एनीवे उसके बाद ये सूट मैंने लिया था खादी से, ये तो अनस्टिच है, और ये जो है ना मुझे इसका कलर और इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगाई, और इसमें जो है ना फ्लावर्स है, तो मुझे जो है ना मूड था कि कोई ऐसा सूट पे जिसमें फ्लावर्स हो। अच्छा मुझे एक बात जो है इसमें समझ में नहीं, इसमें लिखा है कि 1.3 मीटर है शर्ट, 1.3 मीटर बहुत कम लग रहा था मुझे। उसके बाद मैंने सोचा चलो देख खोल के देखती, क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है कि कपड़ा जो होता है इसका बर बहुत बड़ा होता है तो उससे जो है शर्ट बन जाती है, तो इसलिए इसके बाद मैंने खोल के देखा और आप लोगों को भी दिखाती हूँ साथ में। तो ये शर्ट जो है ना इस तरह का कुछ लुक लाइक है, इसका कलर जो है ना एक कम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके फ्लावर्स और ब्लैक विद पिंकिश अच्छा लग रहा था, और ये है इसका शर्ट। वैसे भी शर्ट जो है ना इसका कबर काफ़ी लंबा था, चौड़ाई जो थी ना काफ़ी बड़ी थी, आपको भी नज़र आ रही होगी ये हाफ़ है, मैंने हाफ़ खोली है, इसका जो लेंथ है ना वो 1.5 मीटर का था, 1.3 मीटर का था, लेकिन इसकी चौड़ाई जो थी ना काफ़ी लंबी थी। तो ये बैक है, और जो पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था वो फ्रंट था, तो इसलिए जो है ना आई गेस कि इतना कपड़ा काफ़ी था एक शर्ट बनने के लिए, तो आई एम सेटिस्फाइड। पहले मुझे शॉक लगा, मैंने सोचा था वापस कर दूंगी, लेकिन अच्छा लगा, फिर मुझे जब खोलने के बाद देखा ना तो परफेक्ट था, तो इस तरह की है। और उसके साथ जो है इसका दुपट्टा बहुत ही अच्छा है, सो चेंज शर्ट से मुझे इस तरह के दुपट्टे अच्छे लगते हैं जो बिल्कुल थोड़े से मैच होते हैं और थोड़े से मैच भी नहीं होते शर्ट के साथ, तो ये दुपट्टा भी इस तरह का है, इसका भी कलर और जो बॉर्डर है ब्लैक है बहुत अच्छा लग रहा था, और इसका जो ट्राउज़र है ना इस तरह का सिंपल सा स्कैनी कलर है। और ये जो सूट मैं लेकर गई थी ना और सफ़ायर का, इसका जो है ना मुझे वो नहीं मिला था इसके लिए ट्राउज़र, तो मुझे कुछ अच्छे लगे थे लेकिन वो जो है ना सिल्क मटेरियल था, तो इसलिए मैंने इसके ट्राउज़र लिया नहीं है। और एक और सूट जो मैंने लिया था जे डॉट थे, वो तो 3 पीस है स्टिच है, लेकिन पता नहीं आई गेस ईद के दिन ही खोलूँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और आज का व्लॉग यही तक है, आप लोग भी देख रहे क्या टाइम हो गया ठीक है, अल्लाह हाफिज़।